brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. मैं जुम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ, जाट हमारे से मोदी जी के कामों से, हरियाणा सरकार के कामों से खूब खुश है। ये कोसली की तरफ देखने की बात करता है। ये अब की बार कलोई में भी हारेंगे। 36 बरादरी ने हराया उसको, फिर क्यों राज्यसभा ली भाई? आप राज्यसभा छोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा तो ये कह रहे हैं कि भाई वाया रोहतक चंडीगढ़ का रास्ता जाएगा, आप रोहतक में हमारा साथ दो, चंडीगढ़ में सरकार बनाओ। यही है ना, सुनते लो ना, केएमपी पर इतना झगड़ा क्यों? भ्रष्टाचारी थे, पैसे खा गए, वो ठेकेदार छोड़ करके भाग गया था। मेट्रो को खासकर जिक्र किया जाता है, कहते हैं कि भाई 10 साल में एक खंभा नहीं लगाया मेट्रो का, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में, और मैं हूं राहुल यादव। हमारे साथ सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हैं, और आज हम रोहतक आए हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा से बात करेंगे किस तरीके से उनका कैंपेन चल रहा है। उनको फिर से एक बार भाजपा ने टिकट दिया है, और सबसे हॉट सीट हरियाणा की रोहतक मानी जाती है, वहाँ से वो मैदान में है। डॉक्टर साहब, आपका किस तरीके से प्रचार चल रहा है? बड़ी चर्चा है, जो एक रैली हुई है जसिया गढ़ी सांपला किलोई में, उसकी तो किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? सबसे पहले तो सबको राम राम जी, नमस्कार। देखिए, जसिया में जो रैली है, ये गढ़ी कलोई सांपला की रैली थी कॉन्स्टिट्यूंसी की असेंबली की, और आपने देखा लोगों में, हमने लगभग 15 से 20 गांव में हमने दौरा किया था रैली के लिए। लोगों में ज़बरदस्त जोश है, किसानों में, दलित, बैकवर्ड, हर एक तबके में, नौजवानों में, युवाओं में, आपने कल देखा, महिलाओं में, बुजुर्गों में, हर तबके में ज़बरदस्त जोश इसमें देखने को मिला, खासकर कलोई में भी और हलकों में, लेकिन कलोई में कुछ ज़्यादा ही नज़र आया, क्योंकि लोगों को बहुत अच्छे से, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बातें उठाई हैं, काफ़ी लोगों ने बातें उठाई। सबसे पहले तो हम बात करें किसानों की जी, क्योंकि कलोई हलका किसान डोमिनेटेड है। किसानों की बात करें, किसानों को भी ये बात समझ में आई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में, जितनी सोच, जितना काम किसानों के लिए हुआ, इतना काम कांग्रेस के 60 साल के लगभग 60 साल के राज में नहीं हुआ। क्योंकि कांग्रेस के राज में हमें भी देखा है, मैंने भी देखा है कि किसान को एक शादी कर लेता था अच्छी सी, एक अपने बेटे को बेटी को पढ़ा लेता था, कोई से बच्चे को मकान बना लेता था, या ट्रैक्टर ले लेता था, उसका लोन टूटता नहीं था, उसकी आमदन बिल्कुल, उसकी आमदन टू द पॉइंट थी, उसका लोन टूटता नहीं था। लेकिन मोदी जी ने इन बातों को समझ करके, और हरियाणा सरकार ने भी इन बातों को समझा, अब देखें कम से कम 14 फसलें, किसान बात करता है MSP की, हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसमें 14 फसलों पर MSP दी गई है। अब आप देखें, पुराना आप उठा करके देख लें, पुराना 14 का आप उठा करके देख लें, 14 की तुलना में जो गेहूं का भाव था, आज जो है 2024 में दुगने से भी कहीं ज़्यादा है, दुगने से भी ज़्यादा है, कई कई फसलों में 3 गुना भाव है। आप देखें बाजरे का भाव, उस समय जो था, उस समय 500 रुपये 600 रुपये था, 500 600 700 रुपये था, अब आप बाजरे का भाव देखें कई बार 2,500 रुपये तक गया है। तो ये चीज़ें आप देखें, सरसों का देखें, बाजरे का देखें, गेहूं का देखें, जीरी का देखें, जीरी का इस सीजन में, पिछले सीजन में, अभी जो पिछला सीजन गया, इसमें मैं कलानौर मंडी में गया था, तो किसानों से मिला मैं, आढ़ती भी थे, किसान भी थे, बहुत खुश थे। जो जीरी का एक एकड़ जो है, जीरी का लगभग 70,000-72,000 रुपये जाता था, वो 1,32,000 रुपये, 1,32-1,35 तक गया। तो आप समझ सकते हैं कितना बदलाव जो है इन समय में, इन 10 सालों में कितना बदलाव आया है, और किसानों में एक विश्वास, मोदी जी के प्रति एक विश्वास बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास बढ़ा है। अब आप देखें, 6,000 रुपये साल की किसान सम्मान निधि है, हो सकता है 6,000 रुपये किसान को ऐसा लगता हो, किसी किसान को चले भाई 6,000 रुपये, लेकिन इस बात को अगर गहराई से लें तो 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया
मिल रहा है साल का, यानी कि 72,000 करोड़ रुपया हो, बड़ा अमाउंट हो जाता, 72,000 करोड़ रुपया हो। और आप देखें, उन्होंने कभी एक बार कर्जा माफी की थी, उसी का रागार है, हमने वो भी, वो अमाउंट भी लगभग 72,000 करोड़ रुपया था, उसी का रागार है, हमने कर्जा माफ कर दिया था, कर्जा माफ कर दिया था। अरे भाई मोदी जी तो ये हर साल ही इतना काम कर रहे हैं, 6 साल हो गए, 72 को 6 से कर लो, कितना हो गया, कितना अमाउंट हो गया। तो आप ये देखें, ये काम कितनी बड़ी सोच है मोदी जी, कितनी बड़ी सोच। मैं आपको बीच में रोड़ा हूँ रुक साहब, आप कह रहे हैं कि किसान खुश हैं, 14 फसलें MSP पे खरीदने वाला हरियाणा पहला राज्य है, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि कई जगहों पे विरोध की खबरें आती हैं। आपके साथ भी एक दो घटनाएं हुई, कृष्णमूर्ति हुड्डा ने आपकी सभा में कहा, बोला ये गुलाबी गैंग के लोग हैं, तो विरोध कौन कर रहा है? देखिए विरोध की जहाँ तक बात है, मैंने पहले भी कहा, जहाँ भी विरोध हुआ है, जहाँ भी विरोध हुआ है, वो कांग्रेस गुलाबी गैंग, कांग्रेस गुलाबी गैंग, जहाँ भी, मैं उस, मैंने सिद्ध किया है, मैंने सिद्ध किया, बार बार मैंने सिद्ध किया है। अब जो कलोई हलके में हम गए, एक महिला नेत्री, वो दिखाना रहे, वो फोटो दिखाना, एक महिला नेत्री, आपको मैं ऑथेंटिक बात करता हूँ, कोई इधर उधर की बात नहीं करता हूँ। एक महिला नेत्री आई, बोले जी मैं किसान उसकी यूनियन की जो है मोनिका नाम, सुनो ना, वो आई और उसने विरोध करना, जबकि वो स्पॉन्सर्ड थी, वो स्पॉन्सर्ड थी, भेजी हुई, ये देखो ना, ये देखो, ये देखिएगा, अब ये नोट भी ले, सांप भी लो, किसके साथ फोटो है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ फोटो है ना, फिर और दुखाना, एक और दिखाना, अब बताओ ना, अब मैं जो बात करता हूँ, अब ये कहती है मैं किसान नेता हूँ, नेत्री हूँ, अब ये देखो ये किसके साथ है? आशा हुड्डा जी के साथ। फिर देखो इसको, आप पिक करो, इसको नोट करो, किसके साथ, अब क्या कहोगे बोलो, अब क्या कहोगे? मतलब जहाँ भी, वहाँ भी जो है बड़ाली में भी जो विरोध हुआ था, मैं मलके में भी, उसके भी हमने फोटोग्राफ आपको जारी किए थे। ये सारे का सारा काम, दरअसल कारण क्या है, कारण है इन्होंने रोहतक लोकसभा को, इस इलाके को अपना गढ़ मान रखा था, भाई हमारा गढ़ है। 2019 से पहले तो कोई ये सिस्टम ही नहीं करता था कि भाई दीपेंद्र के सामने कोई आ जाओ। एक ऐसा माहौल, ऐसी अफवाहें, ऐसा दुष्प्रचार, ऐसा भय का वातावरण बना करके चलते हैं कि कोई आ जाओ। अब इनसे ये पच नहीं रहा, इनको ये हजम नहीं हो रहा कि अभी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी से किसान इतना खुश क्यों है, मोदी जी के नेतृत्व में दलित इतना खुश क्यों है, मोदी जी के नेतृत्व में बैकवर्ड इतना खुश क्यों है, मोदी जी के नेतृत्व में बुजुर्ग इतना खुश क्यों है, मोदी जी के नेतृत्व में खिलाड़ी इतने खुश क्यों हैं, मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं इतनी खुश क्यों हैं। तो आप मोदी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानी शहीदों के परिवार इतने खुश क्यों हैं? इनको ये पच नहीं रहा, इनको ये हजम नहीं हो रहा, और इसी कारण से ये इधर उधर का सिस्टम बनाकर, क्योंकि लोगों में तो विरोध है नहीं, लोगों में कोई विरोध नहीं है। मैं प्रशंसा करता हूँ, मैं हल्के की, कलोई हल्के की, मैं प्रशंसक हो गया हूँ, इतना मेरा लगाव हो गया कलोई हल्के से। आप देखें भर भर कर के लोग, कल आपने रैली देखी होगी, और आप लोगों में इतना जोश, इतना प्यार प्रेम। आप टिटोली में देखें, दूसरे गाँव लोग, 10 लोगों ने हमारे को चाय प्रोफर किया कि आप चाय पी के जाना, अब बिल्कुल भी। और उसके बाद हम नांदेड़ गए, नांदेड़ में कम से कम हमारी 7 जगह चाय थी। तो मतलब लोगों में इतना प्यार प्रेम है, लोगों में प्यार प्रेम मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। प्यार प्रेम क्यों है? उनके कामों के प्रति, मोदी जी के काम, मोदी जी के हर कैटेगरी के लिए काम आप देखेंगे, अब कितना बड़ा, एक बात देखेंगे ये लोग समझ सकते हैं, इनको समझ नहीं आएगी, कभी समझ नहीं आएगी, ना समझना चाहते हैं, इनको तो सिर्फ पावर चाहिए, पावर, ताकत, राज चाहिए। इनको कोई किसानों से मतलब नहीं, कोई इनको दलितों से मतलब नहीं, कोई बैकवर्डों से मतलब नहीं, कोई महिलाओं से मतलब नहीं, कोई किसी से मतलब नहीं, इनको तो राज दे दो, इनको तो राज दे दो, गद्दी पे बैठा दो। अब बहुत ही कितना बड़ा काम है, रामवीर चहार सिलानी गांव का किसान, सोचने की बात है ये, पंजाब भी किसानियत करता, किसानों में पंजाब भी किसानियत करता है, हरियाणा भी किसानियत करता है, यूपी भी आगे एग्रीकल्चर में,
राजस्थान भी आगे है, मध्य प्रदेश भी आगे, लेकिन हरियाणा का किसान क्यों? क्योंकि हरियाणा से विशेष लगाव है मोदी जी का। रामवीर चहार को संकल्प पत्र की पहली कॉपी, पहली प्रति रामवीर चहार को दी गई। कितना बड़ा सम्मान, मैं तो कहूँगा मेरी लोकसभा का, मेरी लोकसभा का, मेरे रोहतक लोकसभा का, मेरे झज्जर जिले का, मेरे कोसली का, मेरी लोकसभा का, कितना बड़ा सम्मान मोदी जी ने किया कि रामवीर को बुला करके पहली प्रति संकल्प पत्र की पहली कॉपी रामवीर के हाथों में दी गई। कितना बड़ा सम्मान, ये इन बातों को समझ सकते हैं? क्यों, कभी समझ में नहीं आएगी। अच्छा शर्मा जी, आप लगातार ये कहते थे दीपेंद्र हुड्डा को कि भाई राज्यसभा छोड़, लंगोट बांध, मैदान में आ। अब मैदान में तो वो आ गए, लेकिन राज्यसभा तो नहीं छोड़ी उन्होंने, क्या लगता है आपको, क्यों? देखिए ऐसा है, सुनो, ये बगैर पावर के रह सकते हैं? बगैर पावर के नहीं रह सकते। अच्छा, बगैर ओहदे के नहीं रह सकते। अब भाई साहब, जब लोकसभा में इलेक्शन, जब लोकसभा में इलेक्शन हार गए थे, लोकसभा में इलेक्शन हार गए थे, और वो सीट शैलजा की थी, एक दलित नेत्री की थी, मैं नाम ही ले लेता, मैं कभी नाम लेता नहीं हूँ, एक दलित नेत्री की थी या नहीं थी, उसकी थी, वो कंटिन्यूशन थी, उसको पूछ करके देख लो, उससे पूछ लेना, उसी से पूछ लेना। तो क्यों हथियाली भाई? चलो, जब लोगों ने मैंडेट दिया, भाई लोग तेरे से राजी नहीं है, तेरे कामों से राजी नहीं है, कि तुमने जिस तरह से भ्रष्टाचार, परिवारवाद कर रखा है, लोग खुश नहीं हैं, तो लोगों ने उसको हराया, 36 बरादरी ने हराया उसको। फिर क्यों राज्यसभा ली भाई? इतना बनता तो कहता नहीं भाई, मैं राज्यसभा नहीं लूँगा, मैं तो अगली बार लोकसभा लड़ूंगा, मैं नहीं लूँगा राज्यसभा, असेंबली लड़ लेता, कुछ और लड़ लेता, राज्यसभा में जाकर बैठ गया। दूसरी चीज़ मैंने कहा, वो इफ एंड बट करेगा भाई, फलाना अगर इस्तीफा दे देगा तो मैं दे दूँगा फलाना। अरे फिर तो तुम्हारा प्रिंसिपल क्या है, तुम्हारा सिद्धांत क्या है? तुम लोगों को कहो ठोक करके, हमारा सिद्धांत है कि कुछ भी हो जाए, हमारे को ताकत चाहिए, हमारे को पावर चाहिए, हमारे को पावर चाहिए, कुछ भी हो जाए। तुम ये कहो, अरे राज्यसभा से दे, अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी तेरे को टिकट मिला है तो तेरे को सबसे पहले ये लो जी, मैं राज्यसभा मैंने छोड़ दी और भाई मैं चुनाव मैदान में हूँ। आप राज्यसभा करना चाहिए, आप राज्यसभा छोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा तो ये कह रहे हैं कि भाई वाया रोहतक चंडीगढ़ का रास्ता जाएगा, आप रोहतक में हमारा साथ दो, चंडीगढ़ में सरकार बनाओ। यही है ना, सुनते लो ना, लोगों को गुमराह करना, लोगों को गुमराह करके, झूठ बोल करके, दुष्प्रचार कर करके, झूठी, सब झूठी बातें, ऐसे झूठों का रास्ता, ऐसे झूठों का रास्ता चंडीगढ़ जाएगा? मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, ऐसे झूठों का रास्ता कहाँ जाएगा, आप समझ सकते हैं। ठीक है, जो भूपेंद्र हुड्डा, ये एक नंबर के झूठे, बिल्कुल दुष्प्रचार झूठे, एक नंबर के। आप ये बताओ, झूठ की जहाँ तक बात आती है, मैंने सिद्ध कर दिया कितने झूठे हैं। ये कागज, इसका भी फोटो आप ले लो, ये ले लो, इसको बार बार कह भी लिया, लेकिन डीट है, समझेगा नहीं, बिल्कुल ऐसा डीट जिंदगी में मैंने ऐसा आदमी भी नहीं देखा, इतना झूठा, इतना अफवाहें फैलाने वाला, इतना दुष्प्रचार करने वाला। बोला अभी MP डेवलपमेंट का आपने जो है पैसा बांटा नहीं, फलाना नहीं किया, ये नहीं किया, जबकि उसको पता है वो सांसद रहा है, सांसद रहा है, राज्यसभा में सांसद है, लोकसभा में रहा है, उसको पता नहीं उसकी नोडल ऑफिसर इसका कौन है, जो ग्रांट के बारे में कौन बताएगा, ग्रांट के बारे में ऑथेंटिक रिपोर्ट कौन देगा? हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC रोहतक देगा, DC है, ADC है, CO है, मतलब DC से आप लोग हैं तो ही विल प्रोवाइड यू द ऑथेंटिक रिपोर्ट, मतलब कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कहाँ कहाँ गया, उससे आपको लेना चाहिए। पता नहीं कहाँ से क्या उठा करके, क्या शरारत करके, क्या और दे करके, उसको पता है कि वो गलती कर रहा है। अच्छा। वो झूठ बोल रहा है, वो दुष्प्रचार कर रहा है, उसको पता है, 1000% मैं चैलेंज करता हूँ। मैंने कहा नहीं, आ मेरे सामने बैठ, इस बात इन बातों का जवाब दे जो मैं बात पूछ रहा हूँ, मेरे सामने बैठ कर क्या, मैंने कहा था उसको, आज तक तो उसका कोई जवाब भी नहीं आया कि भाई हाँ मैं बैठूंगा नहीं बैठूंगा। इतना दुष्प्रचार यार करते हैं लोग, मैं तो हैरान हूँ, और उसको करे ही जा रहा है। अच्छा, गुमराह कर रहा है। आप फंड की तो बात कर ही रहे हैं, इसमें आपने दिखाया भी है कि उन्होंने सर मेरा 42,000 रुपये, इसमें 42,000 रुपये मेरा बचा है, सारे का सारा फंड यूटिलाइज हो गया है, मतलब लग गया है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, सारे का सारा फंड सिर्फ 42,000 बचा है, और इसने इस बात को इतना बड़ा बनाकर इतना दुष्प्रचार किया है कि पूछो मत।
अच्छा, एक रेलवे लाइन के क्रेडिट को लेकर भी बड़ा विवाद है। महम हासी वो भी नहीं थम रहा है लगातार, वो अपने सबूत पेश करते हैं, आप अपने सबूत पेश करते हैं। अच्छा एक बात, आप चलो मैं तो सबूत क्या पेश करूं, आप और हम सारे हैं, कोई भी जो प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, कोई रेलवे का है, कोई रोड का है, कोई एयरपोर्ट बनाना है, कोई आपने कोई और भी कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई नई इंडस्ट्रियल जोन में आपको जाना है, किसी में भी, उसका सबसे बड़ा बेस क्या है, उसके सबसे बड़ा बेस है जमीन, लैंड जो है, लैंड एक्विजिशन, लैंड का होना सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ी चीज। उसके बाद लैंड होने के बाद आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, भाई ये लैंड होगी, इस पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, किस तरह से क्या खर्चा आएगा, डीपीआर तैयार हो, ठीक, गलत तो नहीं कर, और उसके बाद आएगा डीपीआर, हो गया, उसके बाद आएगा आपका जमीन जब एक्वायर करने जाते हो तो फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस मीन के फाइनेंशियल अलॉटमेंट, के पैसे के अलॉटमेंट, भाई ये हमने इतना जो है 200 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया लैंड एक्विजिशन के लिए हमने अलॉट कर दिया, भाई जाओ तुम लैंड एक्वायर करो, लैंड एक्वायर करने के बाद डीपीआर बनेगी, डीपीआर बनने के बाद सारा आगे बढ़ा जाएगा। तो इन्होंने भाई ये कह रहे हैं जी हमने 2012 में, कभी 2009 कहते हैं, कभी 2012 कहते हैं, चलो कोई भी ले लो, इनके पास पूरा टाइम था कि नहीं पूरा टाइम, ये तो अपने करके ही तो मस्त थे, क्योंकि इनको पता है कि इनकी पोजीशन ऐसी होगी थी उस समय में कि कोई किसान इनके नाम से ज़मीन देना नहीं चाहता था, इनको पता है, ये इतने बदनाम हो गए थे, इतने इन्होंने काम जी कहाँ करे हैं, इन्होंने काम जमीनों के उल्टे पुल्टे काम करे सारे के सारे, इनके केसेस आप उठा करके देख लो, कोई फाइनेंशियल बजट नहीं दिया, कोई पैसा एलोकेट नहीं किया, कोई ज़मीन एक्वायर करने का सिस्टम नहीं रहा, कोई डीपीआर का सिस्टम नहीं रहा, तो ये कहाँ का क्रेडिट लेंगे, कौन सा क्रेडिट लेंगे, आप बताओ क्रेडिट कौन सा लेंगे। सारा काम 2015 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने फाइनेंशियल जो है अलॉटमेंट एलोकेट किया, बजट दिया, उसको पैसा दिया इस काम के लिए, उसके बाद ज़मीन एक्वायर हुई, ज़मीन एक्वायर हुई, डीपीआर बना, तब जाकर कि ये रेल की लाइन बनी, और भाई खड़े हो गए कि रेल लाइन हमने बनवाई, अरे रेल लाइन हमारी, ट्रेन हमारी, सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की ट्रेन, और सारे का सारा भाग कर गए ट्रेन में चढ़ गए कि भाई ट्रेन हमारी, भाई ये लाइन हमारी, भाई कितनी कितना बड़ा दुष्प्रचार है, दुष्प्रचार सरेआम दुष्प्रचार है। अच्छा आप देखें अभी कोसली में भी रैली हुई और सीएम साहब ने वहाँ मीटिंग भी ली है, उसकी भी बड़ी चर्चा है, और दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि मैं इस बार के चुनाव में रोहतक तो जीतूंगा ही, साथ ही मैं कोसली से भी जीत कर ये प्रूव करूंगा कि वहाँ के वोटर भी मेरे साथ हैं। देखो तो कोसली की जहाँ तक बात है, पहले तो मैं एक बात बता दूँ उसको, वो कान खोल के सुन ले, वो कोसली की जीतने की बात करता है, कोसली तो चलो परमात्मा बड़ी ताकत, तो कोसली वाले 36 बरादरी वो क्या हैं, कोसली शहीदों का, बहादुरों का, स्वतंत्रता सेनानियों का इलाका है, वो देशभक्तों का इलाका है, वो देशभक्तों का इलाका, वो ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे परिवारवाद के लोगों को जो सिर्फ दिखावा करते हैं, साधारण होने का दिखावा करते हैं, शरीफ होने का दिखावा करते हैं, कहीं से सुई की नोक टेकने मात्र भी ना शरीफ हैं, नहीं समझे, और ना ही जिसे कहते हैं ना एक दिखावा करके, भाई मैं बहुत सादा हूँ, बहुत सिंपल हूँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने भाई 2016 में हरियाणा को जड़ा करके रख दिया, हरियाणा के अंदर इतना भ्रष्टाचार, देश में इतना भ्रष्टाचार, परिवारवाद, सारे के सारे इनके रिश्तेदार लगे हुए थे, सब कोसली जानता है, सब कोसली जानता है कि किस तरह की इनकी नेचर है, और लोग छोड़ रखे हैं इन्होंने, लोग छोड़ रखे हैं लोगों को बहकाने के लिए, लेकिन मैं एक बात को तो कहता ही हूँ, लेकिन मैं इसको बताना चाहता हूँ, ये कोसली की तरफ देखने की बात करता है, ये अब की बार कलोई में भी हारेंगे, ये कलोई में भी हारेंगे, आप नोट कर लो, अब की बार इनको कलोई में भी, इनका गांव सांगी, कल सांगी गांव का एक पाना नाम बोल बोल करके, कल कम से कम 100-150 लोगों के नाम बोल बोल करके सांगी गांव ने पूरे में कर, एक पाने का मतलब जो सबसे बड़ा वो सारे का सारा बीजेपी में आ गया ठोक करके, क्योंकि इनकी आदतों से,
इनकी नेचर, इनकी आदत, इनकी झूठ बोलने की आदत, इनको बहकाने की आदत, इनको झूठ बोलने की, इनका दुष्प्रचार करने की, उनको पता लग गया कि किस तरह से ये परिवार दुष्प्रचार करता है। अच्छा, अब आपने उनके बहुत सारे आरोपों का जवाब दिया, लेकिन अब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आप सांसद रहे हैं, तो कौन से इन 5 सालों के काम हैं जो शर्मा जी आप लेके जा रहे हैं, जिनके ऊपर आप वोट मांग रहे हैं? देखिए, काम तो बहुत है। देखो, कामों की परिभाषा भी अलग अलग है, आप नहीं समझे, कामों की परिभाषा अलग अलग है। इनकी परिभाषा कुछ हो सकती है, हमारी परिभाषा कुछ हो सकती है। आप अपनी बताओ। नहीं, आपकी जो परिभाषा उसके हिसाब से समझ। कामों की परिभाषा अलग अलग है। काम जो केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने अंत्योदय आखिरी छोर तक जो गरीब का इतना ध्यान रखा है, वो काम नहीं है, वो काम नहीं है। 4 करोड़ लोगों को घर देना काम नहीं है, 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि देना वो काम नहीं है, 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ देना वो काम नहीं है, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए से, आप इतने आप देखेंगे कौशल रोजगार, कौशल इसमें ट्रेनिंग में कितना, स्वरोजगार में कितना ट्रेनिंग चल रही है, वो काम नहीं है। तो सारे आप देखेंगे 59 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड देना काम नहीं है, मतलब इनको काम ही नहीं मानते। ये तो यूं कहते हैं, इनको काम ही नहीं मानते। 152 डी मैम वाला चंडीगढ़ वाला, वो काम नहीं है। केएमपी पर इतना झगड़ा क्यों? भ्रष्टाचारी थे, पैसे खा गए, वो ठेकेदार छोड़ करके भाग गया था। अच्छा, ठेकेदार कुंडली मानेसर वाला ठेकेदार छोड़ के भाग गया था, किसने पूरा किया आप देखो, किसने पूरा किया? यही हाल चंडीगढ़ वाले रोड का था, दिल्ली चंडीगढ़ का रोड का था। इनके समय में भागे हुए ठेकेदार किसने काम संभाला, किसने काम संभाला? जब ये गए थे तो 10% भी काम पूरा नहीं था, क्योंकि ठेकेदार छोड़ के भाग गया था। पैसे इतने मांगते थे कि सारे के सारे, को ये मांगता था, को ऊपर मांगता, को नीचे मांगता था, तो काम किसने कंप्लीट किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा किसके खाते में जाएगा ये काम? ऑर्बिटल रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर जैसे कुंडली मानेसर है, इसकी पैरेलल, उसमें हमारे हलके को बहुत फ़ायदा मिलेगा। अपना मानेसर से काम शुरू हो गया है, आप जा करके देखो, आप जा करके देखो, काम शुरू हो गया है, वो काम नहीं है। ये सांपला वाला जहाँ इतने एक्सीडेंट होते थे, भूपेंद्र हुड्डा यहाँ से MLA हैं, 33 साल से राजनीति कर रहे हैं, 33 साल से कितनी, अब देखो उस 33 सालों में उस चौक के ऊपर कितनी डेथ हुई, कितनी डेथ हुई उस पर, वो जो सांपले वाला बेरी वाला जो चौक है, उस चौक के ऊपर कितनी डेथ हुई, ईमानदारी से हिसाब निकाल लेंगे। और एक बार भी ये भी पूछें, अब भी ये MLA हैं, मैं तो इन 10 साल की बात कर देता हूँ, एक बार भी उसके बारे में कोई अंडर पास या एलिवेटेड ओवर ब्रिज कुछ भी किसी के बारे में अगर कोई बात उठाई हो या कोई कोशिश की हो, बताओ? ये हमने करवाया भारत, जब हम कोई भी काम कराते हैं, देखो सुनो, सरकार कोई भी काम करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, उसमें सबका साझा होता है। हम कोई क्लेम कर ले, भाई मैंने कराया, अरे वो पार्टी का सरकार का काम है। हम मोदी जी जो काम कर रहे हैं, हम उसमें हिस्सेदार हैं, हरियाणा सरकार को काम कर रही है, हम उसमें हिस्सेदार हैं, हमारा भी उसमें हिस्सा है, हमारा भी उसमें योगदान है। तो ये काम नहीं है, कितना बड़ा काम आप शुरू हो रहे, जा करके देखो कितना बड़ा काम शुरू हो रहा है। और मैं तो कलोई हल्के की बात कर देता हूँ, इन कामों को छोड़ करके कम से कम 100-150 करोड़ से ऊपर के काम जो है कलोई हल्के के हों, छोटे छोटे काम करके, उसकी लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, तो बहुत काम हुए हैं। और दूसरा आगे लो, रेलवे में तो कमाल कर दिया है मोदी जी ने, रेलवे में 29 करोड़ की लागत से काम चालू है, आप जा करके चेक करो। ये 5 कामों की बात करते हैं, हम इनको 50-100 काम गिनवा सकते हैं, 100 गिनवा सकते हैं। और इन्हें अपनी बताइए, रेलवे में 29 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहा है रोहतक, 25 करोड़ की लागत से काम शुरू, आप जाकर के चेक कर लें भादरगढ़। और कोसली का भी आप सोचेंगे, कोसली के रेलवे स्टेशन को भी हमने कहीं पीछे नहीं छोड़ा, 14 करोड़ की लागत से कोसली का बन रहा है। रेलवे में कितनी गाड़ियाँ, कितने स्टॉपेज, देर सो मैनी थिंग्स, नहीं समझे, काम ही काम है। लेकिन ये इन कामों को तो काम गिनते हैं, मानते हैं, लेकिन उसको नहीं मानते कि मोदी जी ने 4 करोड़ घर दिए,
59 करोड़ लोगों के 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, उसको काम नहीं मानते, क्योंकि वो तो सेवा हो रही है भाई गरीबों की, उसको तो मानते ही नहीं। अच्छा, इनके तो वो काम मानने जाते हैं जिनके, इनका देख भी लो निकाल करके कि कितने जगह इन्होंने जमीन एक्वायर करी जमीन। आप पूछो गांवों में, आप बोर गांव में पूछो, और भी देर सो मैनी गांव कि कितने गांवों में इन्होंने जमीन एक्वायर करी और कितने गांवों की एक्वायर करके प्राइवेट बिल्डर्स को, प्राइवेट पार्टीज को दे दी। कितना बड़ा भ्रष्टाचार उन्होंने किया, आप सोच करके देखें। तो इनको समझ में नहीं आएगी, इनको काम जो है, इनको कामों के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। काम वो होता है, आज रोड पे कौन चलेगा, रोड पर कौन चलेगा, आम आदमी चलेगा। ट्रेन में कौन बैठेगा, आम आदमी बैठेगा, जनता बैठेगी ना, जनता बैठेगी, आम आदमी बैठेगा, ट्रेन में भी वो बैठेगा, रोड पर भी वो चलेगा। गलत कह रहा हूँ? कोई यूनिवर्सिटी खुलेगी, उसमें भी आम बच्चे पढ़ेंगे। तो ये जो 59 करोड़ जो आयुष्मान कार्ड बने, ये किसके बने हैं? ये भी तो आम लोगों के बने हैं, गरीबों के बने हैं, आम लोगों के बने हैं, मिडिल क्लास के बने हैं, ये किसके बने हैं? ये 12 करोड़ किसान का जो है, ये जो सम्मान निधि एक सम्मान है, ये काम नहीं है। 14 फसलों पर MSP देना हरियाणा में, वो काम नहीं है। शर्मा जी, टाइम का थोड़ा क्रंच है, 2 अंतिम सवाल लूँगा। पहला तो ये कि मैं आपके पुराने भाषण जब सुनता था, आप ये कहते थे भी मुझे काम चाहिए, ये मेट्रो मुझे चाहिए, वाया सांपला बहादुरगढ़ यहाँ तक मेट्रो चाहिए। और मेट्रो को खासकर जिक्र किया जाता है, कहते हैं कि भाई 10 साल में एक खंभा नहीं लगाया मेट्रो का, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। देखो ऐसा, देखो सुनो, देखो ये उसी बात पे आ गया ना भाई, खंभा नहीं लगाया। यो कितने खंभे लगे हैं, यो मेवाड़ी जो लाइन बनी है, ऑर्बिटल कॉरिडोर बन रहा है, जाके देखो कितने खंभे लग रहे हैं, देख लो एक बार, जाके चेक भी कर लो कि काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ, कि क्या मैं वैसे ही कह रहा हूँ, जाके एक बार चेक भी कर लो माने सर, तो काम शुरू, मैं आपको नंबर भी दे दूंगा। क्या ये झज्जर और फर्रुखनगर लाइन 1225 करोड़ रुपया करके उसका सर्वे हो गया, उसकी DPR बन रही है, वो काम नहीं है? तो सारे के सारे ये जो है, सारे के सारे काम हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये इनको सोचना चाहिए कि किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, और ये तो फैसला जनता करेगी कि काम हुए या नहीं हुए, जनता फैसला करेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 36 बरादरी का आशीर्वाद, पहले भी 36 बरादरी का आशीर्वाद मिला, अभी भी मैं पूरी उम्मीद है मुझे 36 बरादरी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और कमल का फूल रोहतक के अलावा और भी 9 जगह पर, 10 की 10 जगह हरियाणा में कमल का फूल खिलेगा, और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, लास्ट सवाल है, पिछले इलेक्शन में भले ही आप इस चीज़ को डिनाई करें, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रोहतक में खासकर अलोंग दी कास्ट लाइन एक वोट का बाइफर्केशन देखने को मिला था, आपको लगता है कि इस बार किस तरह का माहौल है? क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा, जो मैं आपको बात कह रहा था कि वो कह रहे मैं कोसली से भी जीतूंगा, सबसे बड़ी हार की वजह कोसली माना जाता है उनकी, तो इस बार किस तरह का रहेगा ये चुनाव? देखिए ऐसा है, मैंने तो कभी कास्ट की राजनीति की नहीं, हमने हमेशा 36 बरादरी की बात की, सोनीपत से भी निर्दलीय बने थे हम 36 बरादरी के आशीर्वाद से, हमने कभी कास्ट की राजनीति नहीं की। और मैं आज भी कह रहा हूँ, ये लोग हैं जो कास्ट की राजनीति करते हैं, जो राजनीति में कास्ट का जहर घोलते, ये लोग हैं, हम नहीं करते हैं। और रही बात का, इनके कुछ चंद लोग हैं और मैं आज आपको बता देता हूँ, इनके कुछ चंद लोग हैं जाट जो हैं, जैसे जाट की राजनीति करते हैं, मैं जुम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ, जाट हमारे से मोदी जी के कामों से, हरियाणा सरकार के कामों से खूब खुश है। उसको पता है कि अगर देश के अंदर खुशहाली लेके आ सकता है, देश का मान सम्मान बढ़ा सकता है, देश को विदेशों में भी देश का मान सम्मान बढ़ा सकता है, तो प्रधानमंत्री मोदी है, उनको सब चीज़ें समझ हैं। हरियाणा के किसान को, हरियाणा के हर कास्ट को सब चीज़ों की समझ है। क्या उनको इस बात की समझ नहीं कि 8-9 सैनिक अधिकारी कतर के अंदर, उनको फांसी की सज़ा होगी थी, उनको वापस लाने का काम किसने किया? सहकुशल मोदी जी ने किया। आज कभी सोच सकते थे आप कि मिसाइल भी देश एक्सपोर्ट करेगा? हम तो नहीं सोच सकते थे, हम तो अपनी उम्र में नहीं सोच सकते थे, हम अपने जीवन में। लेकिन आज
जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, रशिया, उस श्रेणी में देश खड़ा हो गया है कि मिसाइल भी एक्सपोर्ट कर रहा है। ये छोटी चीज़ें नहीं है। देश जो है, देश और प्रदेश जाति पाति के बंधन से ऊपर उठ करके हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, सेवा ही संगठन, इस पर देश चलना चाहता है और देश इस पर चल रहा है, स्पीड से चल रहा है। ये उसी डर्रे में फंसे रहेंगे, चंद लोगों के मुट्ठी भर लोगों के डर्रे में फंसे रहेंगे, लेकिन हरियाणा बहुत स्पीड से कास्ट पॉलिटिक्स को छोड़ करके बहुत स्पीड से हरियाणा आगे बढ़ रहा है। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी थे हमारे साथ और हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे के साथ ये एक बार फिर से मैदान में है और रोहतक की सीट पर न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश की नज़र है। क्या कुछ इसका नतीजा रहेगा वो तो 4 तारीख को पता लगेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि मामला इस बार इंटरेस्टिंग है और आप लगातार हरियाणा तक पर बने रहिए, हम आपको इसी तरीके के पॉलिटिकल इंटरव्यू से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।